हर प्रेग्नेंट महिला चाहती है कि उसकी होने वाली संतान हेल्दी और किस्मत वाली हो, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो। तो गर्भवती महिला को अगर रोज़ एक खास मंत्र का जाप करें तो होने वाली संतान पर इसका बहुत ही पॉजिटिव असर होगा। इस मंत्र के जाप से गर्भवती महिला की हेल्थ भी अच्छी रहती है और प्रेगनेंसी के दौरान महिला कभी भी इस मंत्र का जाप करना शुरू कर सकती हैं। ये है वो मंत्र, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक के नायक भक्त नाभय कर्ता त्राता भव भवाणवात। इस मंत्र के जाप करने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। इस मंत्र का जाप भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर करना है। मंत्र जाप करने के बाद भगवान श्री गणेश को मोदक या मोतीचूर के लड्डे का भोग भी लगाएं। इसके बाद महिला थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी लें और बाकी प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों को बांट दें। इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम एक माला यानी कि 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो इससे अधिक जाप भी कर सकते हैं। जब गर्भवती महिला की डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगे तो माला की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे प्रसव में भी आसानी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि सूर्य या चंद्र ग्रहण आ जाए तो उस दिन इस मंत्र का जाप ना करें। इस मंत्र का जाप एकांत स्थान यानी कि कमरे में बैठकर करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि इससे एकाग्रता बनी रहती है।